ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, की मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, हैज़त किस बात की तेरी, की मारेगी ज़्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जानी सार है जानी सार तेरे प्यार पे मेरे यार, Welcome everybody, welcome everybody, Tashi Dele. Tangmalo Tashi Dele, welcome to a very, very new season of No Filter, Season 10, Episode 1. I can't believe No Filter has come all the way from Season 1 to Season 10. And this would not have been possible without the love and support that I receive from all my viewers. So I want to say thank you. Thank you to my beautiful, beautiful No Filter followers, No Filter viewers. I know that today we're going to have a couple of new viewers because we're inviting a very, very talented young boy from Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh ni indo kala kurang gi ke di kaga Hindi gabro chis le nu la ngala lapson di chine tharing interview di Hindi da inji degyo nala chagire mangche Hindi chagire gonda kisi keran so Hindi go tsugu mena nga gonda shuengi nyeba de laya nga nso ki chilo ni me dhubu ke ta ndo gala nga nso de mangche wa peba indo gala comment section la kang sap sap chine pebe gi chika kalo gore namba chiyo ra ngondi thola matang lo na comment nanglo la chilo mi che to duri ensi ma chilo na kisi comment section nanglo la Arunachal ta phepa ta dentri gi kang la khari ki jika samju ji ya mo megyo do ji si den da jewa yu ni thong wa ina ni lam sam pi gi re we do not want any negativity on my channel. So without any further ado, ladies and gentlemen, I'm going to invite this really young talent. His name is... I've just... So let's keep going. So when Lenzing gets the request, and there he is. Hi Lenzing. Hi. Hello. Hi. आपका मेरा मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? Yes, it's आ रहा है, but थोड़ा सा slow आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है. थोड़ा कम आ रहा है. अच्छा, आपके पास कोई earphones ऐसा है कुछ earphones लगाने के लिए ना? आप comfortable हो ऐसे? Comfortable. ठीक. अच्छा, ठीक है. अच्छा, तो आपका नो फिल्टर में बहुत बहुत स्वागत है. और मेरा उतना अच्छा नहीं है क्योंकि अभी कितना 16-17 साल हो गया हिंदी बात नहीं करके, लेकिन आपके लिए हम बहुत ट्राई करेगा. और पहले तो आपके व्यूअर्स और आपके फॉलोअर्स को हम सब की टिबेटन नो फिल्टर व्यूअर्स की तरफ से, ओ आपने वो टिबेट का शर्ट पहना है, एक बार दिखाइए तो आपको. ओ वाह, कैन यू सी द शर्ट? थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लग रहा है आपको. शर्ट कहाँ से मिला आपको ये? ये धर्मशाला से एक टिबेटन फॉलोअर ने मुझे भेजा था. हाँ, सो स्वीट, सो स्वीट. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना रिस्पेक्ट दिखा के ये शर्ट आपने पहना है. और अभी अरुणाचल के लिए तो मेरे पास कोई आउटफिट नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी कि मेरा बेस्ट फ्रेंड अरुणाचल ही है. और मेरा सारा कॉलेज फ्रेंड्स सब अभी अरुणाचल में ही है, ईटानगर में है. तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना लोगों से आपके साथ बात कर रहे हैं. तो पहले आपको कैसे लग रहा है हम लोग नो फिल्टर में आके?
सबसे पहले तो आई एम वेरी नर्वस कि मतलब ऐसा जो 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 जितना भी टिबेटन फॉलोअर्स का बीच में अचानक से घुसना मेरे लिए मतलब एक अच्छा मतलब मेरे लिए थोड़ा नर्वस है, क्योंकि सभी लोग मतलब वैसे तो मैक्सिमम इन लोग में से तो मैक्सिमम लोग मेरे सब्सक्राइबर ही है, बट स्टिल अच्छा मतलब कभी उनसे रूबरू नहीं हुआ किसी भी हाँ, कैट के दौरान, तो इसीलिए थोड़ा नर्वस हूँ। तो आपका नर्वसनेस को हम 2 मिनट में हम लोग भगा देगा, क्योंकि मेरे साथ बात करने से ऐसे अपना दीदी के साथ बात कर रहा है जैसे, आप ऐसे फील करो है कि अपने। और कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन हम लोग जितना हो सके कमेंट सेक्शन में हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको जो हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे ना वो कमेंट सेक्शन के थ्रू कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है। और मेरे पास आपका जी सारा सवाल है, आपके फैंस और हमारे फॉलोवर्स जो आपको पहचानना चाहते हैं उनके सवाल मेरे पास है। और ये जो नो फिल्टर शो है वो थोड़ा सा अलग है, वहां यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है कोई, यार जैसे हम दोनों बातचीत कर रहे हैं और बाहर के लोग हम लोग को देख रहे हैं, ऐसे टाइप का इंटरव्यू है। तो आप रेडी हो? एकदम 100%। अच्छा चलो, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, हम लोग सिंपल से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो लोग आपको जानते हैं वो तो आपको जानते हैं, आप यूट्यूबर सबसे अभी बहुत पॉपुलर अरुणाचल में, तो आप अरुणाचल का अभी क्या बोल रहे हो, शाहरुख खान बोल रहे हैं अरुणाचल का शाहरुख खान। लेकिन जो टिबेटन्स जी और जो दूसरा लोग आपको नहीं जानते हैं उसको थोड़ा सा आप अगर इंट्रोड्यूस, आप कहाँ से हो, आपका फुल नेम क्या है, तो आप थोड़ा बता देंगे हमें। ओके, तो मेरा मेरा इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं सबसे पहले मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा। अभी भी आप गाना गा रहे थे ना, जाने का वॉइस, आपका वॉइस देख मतलब सुन के ना मैं मतलब हाथ भी कांप रहा था टाइप करते हो, इतना अच्छा वॉइस ओह थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे अच्छा सिंगर का ऐसे फीडबैक आने से, थैंक यू आई अप्रिशिएट इट। अभी आपके बारे में बताइए। है। तो मैं मेरे बारे में तो ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, जितना भी है आप लोग यूट्यूब में देखते हो, जो लोग स्पेशली जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बताऊंगी। तो मेरा नाम लेंजिंग डोमिंग है, मैं अरुणाचल प्रदेश इंडिया आदि ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। तो आदि, अच्छा ठीक है। आदि ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। तो अभी मैं 25 साल का हूँ, के बाद ग्रेजुएशन करके मुझे 4 साल हो गए हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है और बीएड किया है, तो पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट होने के बाद। वाह, और तो बस मैं एक मामाज बॉय हूँ। जी मामाज बॉय, अच्छा वो जी तो मोस्ट लड़का लोग है। और आपने ये तो सब बता लिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप अच्छा गाते हो, अच्छा खाना बनाते हो, अच्छा ड्राइंग करते हो, स्केच करते हो, उसके जी ऊपर में इतने सारे वीडियोस हैं आपके। और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि लेंजिंग हैज ऑलमोस्ट 600, कितना सब्सक्राइबर्स है लेंजिंग आपका? 622K, 6,22,000 सब्सक्राइबर, 6,22 ओह माय थाउजेंड गॉड, वाव, दैट्स अ लॉट ऑफ अगर सब्सक्राइबर्स। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसा इतना पॉपुलर यूट्यूबर, यू अग्री टू कम टू आवर शो इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग मी, और आप इतने डाउन टू अर्थ हो। इसके लिए हम, आप हमारे सारे जो टिबेटन मेरे फॉलोअर्स हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू फॉलो लेंजिंग, क्योंकि लेंजिंग का चैनल नॉट जस्ट फॉर अरुणाचलीज, इट्स फॉर एवरीबॉडी, है कि नहीं लेंजिंग? यस एकदम हाँ, सो जो लेंजिंग आप अभी कैसे कर, कंफर्टेबल हो रहे कि थोड़ा और नर्वस हो गया, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी अभी कंफर्टेबल है। आप एक दो लाइन और गाना सुना देगा तो और कंफर्टेबल हो जाऊंगा। ना, आप उल्टा, आपको बोलने वाला था एक गाना सुना। आप अपना लाइन, आप कुछ लाइन सुनाएंगे ना, तो हम आपको कुछ लाइन सुनाएगा, ऐसे एक्सचेंज ऑफ म्यूजिक, है कि नहीं? जी, तो एक लाइन सुनो। तो हाँ हो गया, हाँ सुनाई, हो गया बोल रहे, देखो मेरा हिंदी अच्छी नहीं। तूने छुआ तो मैं धड़कने लगा, दिल की दुआ होठों पे रखने लगा, आ तुझ में देता हूँ रतिया, दिल दिल को सुना है बतिया, तुझ में देता हूँ रतिया, तो तू मुझ में कहीं पे बस जा, वाह, खुद को दे दिया है तुझको,
मैं तेरा हूँ तेरा। ओ माय गॉड लेंजिंग, आपका आवाज अभी थोड़ा नर्वस करो, आई डोंट नहीं 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 नो बट मेरे को आपका वो जो नर्वसनेस है ना, मुझे सेंस आ रहा है, तो आई अंडरस्टैंड. लेकिन जो अब आपका व्यूअर्स लोग हमको नहीं जानते ना, क्योंकि हम 16 साल से हम न्यूयॉर्क में एज ए सिंगर है, हम गाना गाते हैं ना यहाँ पे, और मैंने बहुत सारे सिंगर्स देखे हैं, और लेकिन कभी कभी किसी का आवाज उतना अच्छा नहीं होता है ना सिंगर का, लेकिन वो सिंगर होता है क्योंकि वो पॉपुलर होता है ना. लेकिन जी सच में आपका आवाज अच्छा है, सच में आपका वोकल क्वालिटी बहुत साफ है. मैंने आपका आज दूसरा वीडियोस भी देखा है. आई एम गोइंग टू शो ऑल द वीडियोस इन माय स्टोरी, डायरेक्ट द लिंक सो एवरीबॉडी कैन वॉच इट ना. आपका तो आपने ये गाना गाया, तो मैं आपके लिए, मैंने जो नेहा कक्कर का एक गाना है, मेरा जी आवाज ना, वो वैक्सीन का सेकंड डोज लगाने के बाद मेरा आवाज ऐसा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, बिगड़ गया आवाज. अच्छा सो ये गाना आपके अरुणाचली फैंस के लिए है, ठीक है, और बाकी के दूसरे फैन. मेरे तो सारे सवेरे बाहों में आके ठहरे, मेरी तो सारी रातें तेरे साथ चल रही है. ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशक तुम्हें मेरी दुआ. कैसा लगा आपको? सच ए स्वीट बॉय, सच ए स्वीट बॉय। आप मतलब थैंक श्रेया यू घोषाल को याद दिला था आपका। थैंक यू थैंक यू. अभी बहुत बहुत मेरा तो बहुत तारीफ हो गया. अभी ये आपका शो है, तो हम आपके बारे में जानना कोशिश करेंगे. हाँ मेरा जी दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है लेंजिंग, आप जी नॉट जस्ट अ गुड सिंगर, नॉट जस्ट अ गुड वीडियो मेकर, लेकिन आप बहुत दूसरा को भी हेल्प करते हैं. यू हैव जी डन सो मच चैरिटी वर्क, और एक चैरिटी वर्क मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी लोगों को. एवरीबडी हु इज वॉचिंग अस राइट नाउ, दिस वॉज लेंजिंग डूइंग अ चैरिटी शो फॉर समथिंग विच वी आर गोइंग टू आस्क हिम. ही सेड वी डिड इट गाइस, लेंजिंग फैमिली डोनेटेड रुपीज 5.15 लाख टू लोंगलियांग फायर विक्टिम्स विथ हेल्प ऑफ ताबा याम आना. सो ये हम लोग को थोड़ा सा आप बताइए ना, ये कहाँ पे आपने फंड रेजिंग किया है? लगता है ये आपने आप अरुणाचल में ही किया है, तो अरुणाचल उसके में बारे में किया है। थोड़ा सा बताइए कि कैसा फंड रेजिंग है, और आपको कैसा लगा जब आपने इतने सारे पैसे डोनेट किए? जी तो मैम कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा जो उस समय सब्सक्राइबर्स था, उस समय भी अराउंड 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। तो क्या हुआ कि मेरा जो सब्सक्राइबर्स नॉट ओनली फ्रॉम अरुणाचल, अदर स्टेट से भी है और अलग अलग जगह से है, लेकिन फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा इतना फॉलोअर्स किस काम का आएगा जब मैं सोशल वर्क नहीं करूंगा। तो वेरी गुड. इतना सोशल इतना फॉलोअर्स बने क्या फायदा हो जाएगा अगर मैं लोगों की मदद नहीं करता। ऐसा करके मेरे दिमाग में आता रहता, हमेशा आता रहता। अचानक से 100 से ज्यादा घर जला, तो देख के मतलब बहुत बुरा लगा। तो वाह पूरा विलेज पूरी कम्प्लीटली जल गया। तो कि मैं अपना लेंडिंग वीकली परिवार का मदद दूंगा, डोनेट करूंगा करके। उसमें तवाया मैंने नहीं मदद किया, तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स थे, जितने भी सब्सक्राइबर्स थे, सभी ने डोनेट किया अपनी अपनी जगह से। किसी ने 100 डोनेट किया, किसी ने 1000 डोनेट किया, किसी ने 10,000 डोनेट किया, किसी ने 1500 डोनेट किया। सो तो स्वीट ऐसे सो करके बहुत स्वीट. सारे पैसे कलेक्ट हुए। और इवन टिबेटन फॉलोअर्स जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वो लोग, उन लोगों ने भी जैसे तैसे करके डोनेट किया। मतलब ओ थोड़ा माय तकलीफ होता है ना गॉड ट्रांजेक्शन करना, थोड़ा वाह तकलीफ होता है। उन लोगों ने भी डोनेट किया और मैंने अपनी तरफ से, मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने 60,000 डोनेट किया। वैसे करके मिला के टोटल 5 लाख। गुड जॉब लेंजिंग, सो अमेजिंग. इतना अच्छा लग रहा है, आप इतने यंग हो, 25 इयर्स ओल्ड हो, आपके उम्र के बच्चे अभी पबजी खेल के शायद बैठे होंगे, और आप इतना काम कर रहे हो, इतना आपने सोशल सर्विस किया है, सो अमेजिंग, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. आप नॉट ओनली यू नो यू आर सच अ गुड, यू आर ऑल्सो गुड जी
ये आप हो, आप पिज्जा बना रहे हो, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिश, और यस ये आपने स्केच किया है मम्मी और डैडी का, और जी इतना रिजेम्बलेंस है स्केच में, तो आप ऐसा कुछ है कि आप नहीं करते हो, आप सब करते हो क्या पूछा ऐसा ना मैं मेरे अंदर ना वो सीखने की इच्छा बहुत है। मैं मतलब किसी भी चीज में परफेक्ट तो नहीं हूँ और कोई हो भी नहीं सकता, बट सीखने की इच्छा बहुत है। तो मुझे वेरी हर ऐसी नाइस, क्रिएटिव चीज अच्छी लगती है जो एक एक 25 साल के लड़के को लगना चाहिए, एक 25 साल की उम्र में किसी को करना चाहिए। तो मैं हर चीज उस चीज को करने की कोशिश करता हूँ और मुझे सीखने की इच्छा होती है। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। आपके पेरेंट्स तो आपको कितना प्राउड फील करते होंगे, और आपने रिसेंटली अपना एक गाड़ी भी खरीदा है, हाँ उसके जी लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सब की तरफ से। हम थैंक चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की करो लाइफ में, बहुत तरक्की। मेरा एक सवाल है जो अभी थोड़ा सा पर्सनल होगा ना, थोड़ा सा करके, बहुत यू जी लड़कियों ने पूछा है, ये सारे लड़की फैंस जो है ना मेरे पीछे भाग के, अच्छा प्लीज, अच्छा माने दीदी, अच्छा प्लीज जी लेंजिंग को दीदी पूछो ना, लेंजिंग को पूछो ना, उसका गर्लफ्रेंड है कि नहीं करके पूछ रहा है तो हाँ लेंजिंग, अगर आप कंफर्टेबल हो आप बताओ कि आप सिंगल हो या कोई चांस है आपको पटाने का। बहुत ज्यादा चांस है मुझे पटाने का, मतलब रेगुलरली। बहुत ज्यादा चांस है। अच्छा, तो हर हर रंग और रूप के लड़कियां ट्राई कर सकते हैं कि नहीं, सो ऑब्वियसली जस्ट कोई भी नॉट लड़का टिबेटन अरुणाचली, टिबेटिन भी हो सकता है कि नहीं। में 100%। अच्छा तब ठीक है। अब हम लोग तो बहुत बुढ़ी है, हम लोग का तो अभी लाइन पूरा लाइन के बाहर हम लोग आ गया, तो हम लोग का तो कोई चांस जी नहीं है, बच्चे लोगों के लिए अच्छा तो चांस है। सो ऑल द गर्ल्स हु आर वॉचिंग, आप टिबेटन हो, भूटनीज हो, नेपाली हो, आप जो भी हो, आप लेंजिंग को लाइन मार सकते हैं, लेंजिंग भी देख देख के लाइन मारेगा वह उल्टा। सो ये जी सुन के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन लेंजिंग, सॉरी कि हम लोग इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी नहीं लेंजिंग सब हम ना आपको एक सरप्राइज देगा, जी ये सरप्राइज है आपके लिए, एक वीडियो मैसेज है हम लोग का। हमारे जी शो का ये फॉर्मेट है कि हम जब किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो हम उनको बहुत स्पेशल फील कराते हैं, तो एक जी हमारा तरीका है कि एक कोई आपके लिए एक वीडियो मैसेज रखता है, तो आज जी आपके लिए किस जिसने वीडियो मैसेज रखा है वो भी अरुणाचल का, अरुणाचल से ही है, तो उसने एक वीडियो मैसेज रखा है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी यहाँ। हेलो रंजन भाई, हाय वेलकम टू आचार्य श्रीकांत नो फिल्टर शो, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टॉक शो अमंग अस द मोटिवेशन कम्युनिटी। और आप हमारा अरुणाचल का फेस ऑफ अरुणाचल है, जो कि आप बहुत ही लोगों को मोटिवेट करते हो, बहुत ही लोगों को इंस्पायर करते हो। तो हमारा टिबेटन कम्युनिटी है, उनके अंदर भी आपको लोग ज्यादा से ज्यादा जाने इस नो फिल्टर शो के जरिए से, मैं उम्मीद करता हूँ। और And I'm sure and I bet that most of the Tibetan people will watch you and most of the Tibetan people will love you and they will definitely support you and they will definitely love this No Filter show with Ajay Shivandu. So I once again want to welcome you to Ajay Shivandu's No Filter show. Thank you. Thank you ओके so okay. much. कैसा लगा हम लोग ओके का सरप्राइज आपको? बहुत अच्छा लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं इनको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ सचिन हाँ, पर, तो तो मैं ये जब थुपतेन को मैंने बोला कि आप आ रहे हो, तो थुपतेन ने बोला बहुत टैलेंटेड लड़का है, और मैंने सोचा कि मैं आपका जो फेवरेट फेवरेट आर्टिस्ट है ना, मैंने सोचा मैं सोनम तोप्तेन को भी ट्राई करूँ आपके लिए मैसेज रखना, क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू सोनम तोप्तेन, वो हम लोग दोनों बात करते हैं, तो लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं उसको रिक्वेस्ट नहीं कर पाता। आई एम श्योर कि मैंने अगर उसको रिक्वेस्ट किया होता तो वो आपके लिए वीडियो मैसेज जरूर भेजते हैं। लेकिन थुप्तेन इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट जो इंडियन आइडल में भी आए थे, और थुप्तेन का ये जी मानना है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, तो इट्स नॉट जस्ट हिम, सो मेनी ऑफ अस थिंक द सेम। लेकिन थुप्तेन अभी मुयन तवांग से बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपको हालम हालम गाना आता है, तो एक बार वो हाँ थोड़ा जी सा छोटा सा लाइन गा सकते हैं आप हमारे लिए? ओके तो जी जरूर। तो ये गाना मैंने चलिए, स्पेशली वो जो मोनपा मोनपा फॉलोवर उनके लिए ही सोच के मैंने इस गाने को कवर किया था।
ओह पहले सुनो, मैं नाइस, तुम्हें अच्छा मृगन से नंदिर मृगन से नंदिर छंगने नो तो ना छंगसे लिपो फन तो मा छंगसे लिपो फन तो मा छंगसे ही ले का ना दर्शो शिन बे रंगे हो बुल हलम हलम थम चोदन हलम हलम थम चोदन। थैंक यू। वाह, दैट्स अमेजिंग। उसका मतलब क्या है हलम हलम? हलम हलम थुंचोर मतलब हलम हलम मतलब थोड़ा थोड़ा, और थुंचोर हाँ मतलब शायद चाहिए है तुम्हें। ये ऑल अबाउट इस पार्टी इंटरेस्टिंग। सॉन्ग है ये, तो ऐसे थोड़ा दारू का बात ओह है। ब्यूटीफुल, इतना अच्छा है कि यू नो नोइंग डिफरेंट डायलेक्ट्स। अरुणाचल इज सच अ वाइड स्टेट बहुत ना, सही। इतना ज्यादा ट्राइब्स है। हमारे टिबेटन व्यूअर्स, अगर आप अरुणाचल के बारे में नहीं जानते हो, तो जस्ट सो यू नो, अरुणाचल डज नॉट हैव जस्ट वन लैंग्वेज। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल स्पीक्स अहोमिया, अ लिटिल बिट। आई मीन अहोमिया बेसिक कथा ना जाने, अलमन अलमन जाने से यू नो हाउ टू स्पीक इन असमीज, राइट? अ लिटिल बिट, राइट? आपको थोड़ा आता थोड़ा है मतलब थोड़ा बोलूंगी। थोड़ा? लेकिन आदि का अलग लैंग्वेज है, निशी और लोग का अलग लैंग्वेज है। सो बहुत सारे ट्राइब्स है। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर टिबेटन्स टू एजुकेट आर सेल्व्स एंड नॉट जस्ट थिंक दैट अरुणाचल इज जस्ट लाइक वन स्टेट विथ वन लैंग्वेज। नाउ कमिंग डाउन टू अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने एक ऐसे वीडियो बनाया है जहां पे इतने सारे व्यूअर्स ने आपको सपोर्ट किया है। आई अंडरस्टैंड कि उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाले भी हैं और आपको अगेंस्ट बोलने वाले भी हैं। सो यू कांट प्लीज एवरीबॉडी, लेकिन जिस तरह से आपने नॉर्थ ईस्टर्न्स और अरुणाचल के लिए स्टैंड अप किया, उसके लिए हैट्स ऑफ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस दिन आपने देखा वो बंदा एक ऐसे वीडियो बना रहा था जो, और अरुणाचल के बारे में ऐसे अनाप शनाप बात कर रहा था, आपको सरप्राइज हुआ कि ये ऐसे बोल रहा था कि एज अ नॉर्थ ईस्टर्न मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूँ, बहुत बार हमारे भी रेसिस एक्सपीरियंस हुए हैं, तो आपको ये सरप्राइजिंग लगा कि ऐसा बोल रहा है, कि आपको गुस्सा आया, वो फीलिंग कैसा था वो बताइए हमें, नंबर वन। उसके बाद जब आपने बैठ के वो वीडियो बनाया, तो उसके बाद अब जो वो जो सारा जो इमोशन चल रहा था ना आपके उन अंदर, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा हमें बताइए ना। एक्चुअली उस वीडियो को मुझे रात को किसी ने भेजा था इंस्टाग्राम में, ऐसा बोलते हुए भेजा था। एक बाहर के यूट्यूबर ने हम अरुणाचल के बारे में ऐसा कहा है, अरुणाचल में आपका सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है तो आपको बोलना पड़ेगा इस बारे में। उधर अच्छा। वो नहीं भी ऐसा बोलते, तभी मैं इस बारे में जरूर बोलता हूँ। तो मुझे वीडियो देख के फर्स्ट टाइम सरप्राइजिंग तो नहीं लगा, क्योंकि बहुत मेनलैंड इंडियन इंडियन ऐसे होते हैं जिनको अरुणाचल के बारे में सच में भी पता नहीं। बात क्या हो, बुरी चीज क्या हुई कि उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स ऑलरेडी, एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते उसको ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। भले उसके दिल एब्सोल्युटली, में कुछ भी हुआ, अरुणाचल को लेके दिल में कुछ भी हुआ अपना ओपिनियन है, लेकिन उसको कोई हक नहीं बनता था कि वो ऐसे वीडियो बनाए। वेरी गुड। तो उसी चीज को देख के मुझे के बाद सरप्राइजिंग तो नहीं लगा, लेकिन गुस्सा बहुत आया। गुस्सा आया। हाँ, और ये अगर अरुणाचल को थोड़ी मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही बोलते तभी मैं, नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम के बारे में बोलते तभी मैं जरूर बोलता हूँ। एब्सोल्युटली, हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच। तो तो वो जो ऐसा हो कि मुझे फीलिंग्स है, मतलब, हाँ और बोलिए बोलिए। एक्चुअली ये जो जो उसकी जो मेंटेलिटी है ना, वो बस उसकी नहीं है, बहुत लोगों की है। तो मुझे वीडियो बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी। चाहो तो अभी वो बंदा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, पारस नाम लूंगा, वो बंदा अभी सुधर गया है शायद, लेकिन हाँ उसकी तरह मेंटेलिटी रखने वाले और भी बहुत सारे हैं। इसलिए मैंने उस वीडियो को, मेरे वाले वीडियो को अभी तक डिलीट नहीं किया है, क्योंकि अच्छा वो एक हमें बहाना मिल गया, मतलब हम नॉर्थ ईस्ट वालों को एक बहाना मिल गया रेसिज्म के ऊपर बात करने का, मतलब जीता जागता देखा देखी रेसिज्म के ऊपर बात करने का। वेरी गुड। इसलिए मैंने उस वीडियो को बनता था। मैं हर नॉर्थ ईस्टर्न, हर टिबेटन, हर नेपाली जो एवरी सिंगल मोमेंट जिसे राह चलते वक्त हमको रास्ते में बोला कि एक चाइनीज,
चिंकी ऐसे बोलने का, जो हमारे सबका अनुभव हुआ है, सब जो यहाँ पे हम लोग को व्यू कर रहे हैं, हर किसी ना किसी को ये रेसिस का मोमेंट एक्सपीरियंस हुआ है, उन सब की तरह से हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक थोड़ा सा चेंज आने के लिए एक धमाका होना चाहिए, तो ये हो होना गया चाहिए। है और बहुत अच्छा है। और अरुणाचल का सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो पेमा खांडूला है, जो किरण रिजिजू है, उन सबको हमारे तरफ से, नो फिल्टर के शो की तरफ से थैंक यू फॉर टेकिंग एक्शन, फॉर बीइंग गुड लीडर्स, और आप जैसे यूट्यूबर यंग वंस हु आर टेकिंग सच इम्पोर्टेंट स्टेप्स सोशल प्लेटफॉर्म में, गाना वाना सिर्फ नहीं डाल के अपने प्लेटफॉर्म को यूज अच्छी तरह से यूज करने के लिए, थैंक यू सो मच। हम अभी थैंक यू सो उस मच। क्वेश्चन को उतना तक ही रखेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू लाइक गेट इन सो मच इश्यूज लेटर। लेकिन अब अरे अभी हम एक व्यूअर को इनवाइट करेंगे जो हमारी तरफ से है, हमारी टीम की तरफ से है, और वो आपके लिए एक कुछ शब्द बोलेंगे। शी इज गोइंग टू से समथिंग अबाउट यू, और वो इट्स लाइक माई गिफ्ट फ्रॉम यू, और वो है नन अदर देन मैडम जी टमाटर जी दिले। हेलो, चेहरा दिखाइए हेलो, ना। मेरे को हेलो, पता सॉरी नहीं, शायद वो नीचे गिर गया। सॉरी, मेरा फोन नीचे गिर गया, सॉरी। हाय, ये सो बिल्कुल ये है हमारा मोस्ट बिल्कुल। ब्यूटीफुल, या लिविंग चीयर्स लाइव। हाय हाय एवरी, अभिषेक, हाय हाय लिंस। हाय हाय। सो लिविंग चीयर्स लाइव इज द पर्सन हु कनेक्टेड मी विथ लेंजिंग, सो आई वांट टू थैंक लिविंग चीयर्स लाइव। But Living Tears Live, we invited her just for a couple of minutes so that she can tell us a little bit about Lenzing from Tibetan, our perspective. How do you find him and what do you have to say to him? Yeah, I'm a big, big fan of him. ये पता है, मैं तो बहुत बड़ी फैन। Not only a good singer, not only a blogger, but he is such inspiring influencer. हम जब एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म तरीके से यूज करें, जो हाँ अपने उनसे कुछ बदलाव ला सके। और ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो आप हिंजिंग में बहुत आ रही हूँ। ही हैज शोन आवर पीपल ऑफ टिबेटन किड्स ऑल्सो हाउ अपने मन का ध्यान रखते हैं, कि जैसे छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं। और हिंजिंग जब हम पास ही कर आएगा, घुमा के जाना पड़ेगा छोटा सी, ठीक है? मेरा नया कार में आपको घुमाएगा। नया कार में घुमाएगा लस, हाँ या घुमाना पड़ेगा। लेकिन लेंजिंग, लेंजिंग इज सच अ गुड इन्फ्लुएंसर, और ऐसे रहिए लेंजिंग। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन 600K और इंस्टाग्राम में 50K, आ गया आप, आपका फॉलोअर काउंट। और ऐसे हम्बल रहिए, ही इज सच अ हम्बल गाय। एंड अच्छा ऋषि, आई हैव टू टेल यू, He is 25. He is a singer. He is an amazing vlogger. He takes care of his mother, who was not well for a long, long time. And he has been a teacher also. So Lenzing, हमारे Lenzing teacher भी है. Yes, he graduated from political science. मैं wrong नहीं हूँ तो, और इन्होंने पढ़ाया भी है. और इनके बहुत छोटे 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 students हैं जो इनको बर्थडे में gift देते रहते हैं. मुझे मैसेज दिया कि ओ माय गॉड, फाइनली लिविंग इज देयर, तो एवरीवन वाज सो हैप्पी। सो आई विश यू सो मच सक्सेस, और आपने मिलियन बहुत जल्दी क्रॉस कर लेना, ठीक है लिंजिंग? थैंक यू दावा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लॉट्स ऑफ बाय, लव, थैंक बाय यू, दावा, टेक बाय। केयर। ओह माय गॉड, दैट वाज सच अ नाइस। आपको कैसा लग रहा है, कैसे फील हो रहा है? कि देखो, आप अपने मुंह से तो तारीफ आपको आपको आता नहीं है, क्योंकि आप इतने हम्बल हो, लेकिन ये है जी जो दावा ने बोला आपके बारे में, यही सच्चाई है। और जी या हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लगा, मतलब सरप्राइज था मेरे, काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। तुप्तिन सर और ये लिविंग टीयर्स लाइफ दोनों आए, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। और उनका जो ऐसा है ना, लिविंग टीयर्स लाइफ का जब मैं शक्ल देखता हूँ ना, उनका उनका चेहरा देख के ही मतलब मेरा दिन अच्छा हो जाएगा, ऐसा लगता है। शी इज सो प्रिटी। She's a good person.
ब्यूटी ये सब अलग अलग. शी इज अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान का जो दिल है वहां से निकल के चेहरे पे आ जाता है ना, वो बहुत जी अच्छा है. वही तो लेंजिंग अभी तीन और सवाल है और हमारा शो खत्म होने वाला है. हमारा शो छोटा है लेकिन बहुत टेस्टी है, स्वीट एंड टेस्टी, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आपको हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं भेजूंगी सारे फॉलोअर्स आपकी तरफ, ताकि आपको मौका मिलेगा अपने बारे में और बोलने का और जान उनको मतलब इंट्रोड्यूस करने का. तो अभी तक हुआ दो गाना, दोनों आपने एक मनपा गाना गाया, आपने एक हिंदी गाना गाया. आपको इंग्लिश गाना आता है? मैंने मुझे लगता है आपको आता है. मुझे आता है, थोड़ा बहुत आता है. हाँ, तो एक इंग्लिश गाना हो जाए, थोड़ा सा छोटा सा. कौन सा गाऊं? I was not prepared. ठीक है, मैं सुनाता हूँ. I'm in love with the shape of you बोल के आपने एक शायद गाया होगा वो. जी वो वाला सुना दूँ? हाँ, जो भी आपको आता है कोई बात नहीं. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I give it a chance. Now I'll take my hand, stop in front of the man on the jukebox. Then we start a dance, and I'm singing like, girl, I want your love. Your love is handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say hey. Boy, let's not talk too much. Grab on your waist and put that body on me. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Nice. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheet smells like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. Oh my I'm God. In love with the shape of you. Thank you. इस गाने के लिए तो I have to do this. नहीं नहीं निक नहीं निकला. एक मिनट, 1 2 3 थोड़ा सा निकला, लेकिन आपके लिए आपका भी नहीं निकला. Wait, I need to whistle for you. Yeah. इस गाने के लिए आप ये whistle मेरी तरफ से. All the way from New York flying to Arunachal Pradesh. हाँ ये. अभी लेंजिंग आप हमें ये बताइए कि आपने बहुत सारे शोज किए अरुणाचल में, तो बहुत सारे शोज किए हैं. टिबेटन शोज कभी किया है आपने? किसी ने बुलाया नहीं तो इसलिए किया नहीं. बुलाएंगे तो जरूर करूंगा. आप टेंशन मत लो, आप इसके बाद आएंगा. आप आए, मैंने बोला था मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने बहुत ट्राई किया. मैं आएंगा नहीं बोलेगा, लेकिन आएंगा आ गया वो. अब आएगा आपके लिए, आप टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे टिबेटन फैंस जो है ना, दे लव अ गुड सिंगर. And they support good music. Doesn't matter whether you are Arunachali or you're. Although I understand ki hamare Tibetans mein bhi hai ki Tibetans ko hi support karo, aise bolta hai. Lekin jab kisi ka awaaz acha hota hai na, to un log aayega, aapko support karega. Jaise ki Chutin Singh bahut perform karte hai Tibetan shows mein. Prashant Tamang aate hain, Amit Paul aate hain. Hamara kaun sa tha? Abhi ek naya banda bhi aaya tha. Bhul gaya main. Lekin haan, bahut sare Karma Sherpa, bahut sare bahar ke log. आते, they become a part of Tibetan being. So future में जब pandemic over होगा ना, तो I will definitely recommend you to as many organizers as I can. क्योंकि आप young हो, आपको जाना चाहिए. You have to go out there. You are so charming. I think I request all the Tibetan organizers, if you are watching No Filter Show, all the private organizers, please invite this young talent. You will not regret him. So great voice. और ट्रैक के साथ तो आप और भी अच्छा साउंड करते होंगे ना, ट्रैक के साथ. हाँ बोल रहा. चलो तो हम आपके लिए इंग्लिश गाना गाएगा. हाँ और क्या? हेलो, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? और मेरा फीस भी बहुत कम है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो अभी लास्ट एक क्वेश्चन आएगा, वो लास्ट क्वेश्चन लेंजिंग को जवाब देने के बाद एक लेंजिंग हो सके तो एक और छोटा सा गाना गा के
हम यहीं पे रैप अप करेंगे, और बाकी लोगों को जो लेंजिंग को और भी जानना चाहते हैं तो टाइम वेस्ट ना करके लेंजिंग का यूट्यूब चैनल ये है, और यहाँ पे ऐसे जाके, यहाँ पे ऐसे आके आप जाओ और सब्सक्राइब बटन को मारो लेंजिंग के पास, हिट द बेल आइकन। हाँ हिट कहाँ है, बेल आइकन कहाँ है, कहाँ है बेल आइकन, साइड में ठीक है, ये देखो मेरी तरफ से हो गया लेंजिंग का एक सब्सक्रिप्शन, अब आपकी तरफ से हो जाए लेंजिंग के पास बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे अपडेट्स है, यू विल नेवर गेट बोर्ड विद हिज चैनल बिकॉज ही जस्ट डज नॉट सिंग, ही डज व्लॉगिंग, ट्रैवलिंग, बहुत सारे, और आपके फैंस ने बहुत सारे और क्वेश्चंस पूछे हैं, ये क्वेश्चंस सब मैं आपको भेजूंगी, और हो सके तो आप अपने चैनल पे भी आंसर करें, क्योंकि शायद यू नो मे बी आई कैन रीच टू ऑल द क्वेश्चंस। लेकिन मेरा जो लास्ट सवाल है आपके लिए, अगर कोई आपके जैसा बनना चाहे, जैसे यूट्यूबर और अच्छा वाला यूट्यूब, ऐसे खाना खाने सिर्फ चैलेंज नहीं बाकी वैरायटी वाला यूट्यूब, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे, नंबर वन। नंबर टू, इन्फ्लुएंसर्स सबको क्या बोलना चाहेंगे कि अपने सोशल प्लेटफॉर्म में, अपने प्लेटफॉर्म में सोशल मैसेजेस भी कभी कभी डाले, ऐसे कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं, ये दो सवालों का जवाब आप देके एक गाना गा के हम शो यही एंड करें, ठीक है। ठीक है, जो लोग अपकमिंग इंस्पायरिंग जो लोग YouTube में आना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि ऑलवेज बी रियल, आप जो हो वही दिखाइए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो अपना गरीबी दिखाइए, आप अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो तो अपनी अमीरी दिखाइए, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो अपनी अपना जो मिडिल क्लास है वो दिखाइए, तब लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप रियल रहोगे ना तब आप कनेक्ट कर पाओगे, और जब मेरे यूट्यूबर और आपके बीच में कनेक्शन बन जाएगा तब आपका वीडियो को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज मेहनत, मेहनत कितना, मेहनत इंटू हंड्रेड करना, मेहनत इंटू हंड्रेड करना, मतलब आप लोग तो मुझे, बहुत लोग तो मुझे अभी जानते हो 6 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद, जब मेरे 1K सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, उस समय मैंने कितना मेहनत किया है वो मैं ही जानता हूँ। और जब लोग कमेंट में आपको क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, मतलब ऐसा वो गंदा वाला क्रिटिसिज्म नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, उसको सुनना बहुत जरूरी है, सुन के आप रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि मैंने किस चीज में गलती कर दी कि मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहा है, तो आप उनके उनके बातों को सुनोगे तब जरूर आपको सब्सक्राइबर्स आपका गेन होगा। एंड लास्ट थिंग, फेलियर से कभी नहीं डरना है, और कमाने के लिए यूट्यूब में कभी जाना है, तो फेलियर से कभी भी नहीं डरना। I love that answer. कमाने के लिए यूट्यूब में कभी मत जाना, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये कमाने, जब मैं क्या बोला था इससे पहले कि कमाने के लिए YouTube में कभी भी नहीं आना, और उससे पहले मैं बोला था, क्या बोला था मैं, फेलियर से कभी मत डरना। तो आप लाइफ में ना, आप जब एक बार फेल हो गए ना, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, मेहनत करना क्या होता है, क्योंकि अगर आपको पहले ही स्टेप में सक्सेस मिल जाएगा तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप में इंप्रूवमेंट लाना है कि नहीं लाना, आपको लगने लगेगा कि आप परफेक्ट हो, तो ये चीज कभी आने नहीं देना है, इसलिए फेलियर खाना लाइफ में बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अगर आपके आपके सब्सक्राइबर्स नहीं भी बढ़ रहे हैं तो उसको ऐसे फेलियर लो, और उनका जो कमेंट्स वगैरह है, क्रिटिसिज्म वगैरह है, उसको देखो, और उसी से आप घुस जाओ यूट्यूब में, अपना अपना कमियों को जानो, वही मैं, अगर आप अपनी कमियों को जान जाओगे तब आप जरूर आगे बढ़ोगे, नॉट ओनली यूट्यूब में, किसी भी चीज में, अपने लाइफ में। आप सच में 25 साल के ही हो क्या, अब क्या कुछ डेट ऑफ बर्थ में अप डाउन नहीं हुआ ना, इतना डेट ऑफ बर्थ में तो मैं 24 साल का हूँ, मतलब 24 इयर्स का, एक साल कम किया है उल्टा, एक्चुअल में 24 का हूँ। देखो इतना ऑनेस्ट होना भी, इतना ऑनेस्ट लेंसिंग, इतना ऑनेस्ट होना भी शायद भारी पड़ जाएगा, लेकिन आपको तो ये ऑनेस्टी भी बरकरार रखिए। और मैंने सोचा ये लाल, लेकिन एक क्वेश्चन मैं भूल गई थी, मेरे सारे टिबेटन फॉलोअर्स पूछ रहे हैं कि लेंजिंग क्या टिबेटन नाम जैसा है, टेंजिंग,
ये क्या तिब्बतन नाम से डिराइव हुआ कि कैसे लेंसिंग कैसे? नहीं नहीं बिल्कुल अलग है, लेंसिंग हमारे आदि आदि नाम ही है एक्चुअली। मैं कभी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा। हाँ बोलिए बोलिए ऑफ कोर्स। तो जो मेरी सबसे जो बड़ी दीदी है शी इज इन इंडियन आर्मी और वो अरुणाचल की फर्स्ट लेडी आर्मी ऑफिसर है। ये है ना आपका दीदी? हाँ जी। तो शी इज माय एल्डर सिस्टर, इनका नाम कोनुंग है। अच्छा तो प्राइड ऑफ अरुणाचल, तो इनका नाम कोनुंग है। तो ये पोनुंग का नाम, पोनुंग का मतलब होता है, पोनुंग एक डांस फॉर्म होता है जो हमारे सोलुम ट्राइब सोलुम फेस्टिवल में किया जाता है। तो जब हम बहुत खुश होते हैं और घर में बेटी पैदा होती है तब उनका नाम पोनुंग पड़ जाता है, वो डांस फॉर्म में खुशी के मारे पोनुंग। एंड पोनुंग के बहुत एक्सपेक्ट किया था कि एक बेटा होगा क्योंकि एक लड़की हो गई ना ऑलरेडी, तो एक बेटा एक्सपेक्ट किया था। बट बेटी हुई तो उनका नाम तोगमम रख दिया। तो मतलब तोगमम का मतलब एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड, तोगमम रख दिया। और फिर सेकेंड दो दो बेटियां हो गई तो थर्ड वाले को मतलब लड़की मतलब लड़का चाहिए हो रहा था मेरे पेरेंट्स को कि कब लड़का आएगा कब लड़का आएगा। तो उनका नाम रख दिया, भैया का नाम रख दिया कालिंग। मतलब कालिंग मतलब जिसको बहुत देखने का मन होता है, जिसकी जिसकी इच्छा होती है, तो कालिंग। तो दो बेटा हो, दो बेटी हो गई और एक बेटा हो गया, तो फोर्थ वाले को क्या होना चाहिए था, बेटा या फिर ये बेटा अब दो बेटा? हाँ, लड़की हो तो क्योंकि दो दो लड़के लड़का। और दो लड़का होता है ना। हाँ, ताकि दो लड़का और दो लड़की हो जाए। तो फोर्थ में मैं आ गया, मैं लास्ट सन हूँ तो मैं आ गया। तो मेरा नाम लेंजिंग रख दिया। लेंजिंग का मतलब है अ पर्सन हु इज बोर्न ऑन अ राइट टाइम। मतलब एक्सपेक्ट किया था कि एक लड़का होगा और मैं ही पैदा हूँ, तो उसका मतलब लेंजिंग है। वाह काफी लंबा दैट इज सो टाइम। कूल, इतना इंटरेस्टिंग रीजन है आप लोग जब फैमिली में नाम रखते हो तो इट्स सो स्पेशल। सो अच्छा क्योंकि टेंसिंग और लेंसिंग बहुत राइम करता है ना, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपका नाम तो लेंसिंग के बाद अगर कोई आएगा तो पांच बच्चा तो बहुत हो गया बोल के। हाँ अगर मेरे पास कोई आएगा तो उसका नाम खुशी से हम वो रख सकते हैं लंतम, जो मेरा भाई का नाम भी है, कजन भाई का नाम भी है, कजन भाई है। उनका नाम लंतम मतलब होता है कि एक लड़की के पीछे और एक लड़का होना, उसको लंतम। हमारे आदि में ना बहुत मीनिंगफुल नाम रखा जाता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई नो एवरी ट्राइब हैज सो मच रिच हिस्ट्री बोलते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि आप लोग इतने यंग हो, क्या अभी का जेनरेशन होने से भी आप लोग अपना ट्रेडिशन मेंटेन करके रख रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेंसिंग मेरा तो आई मीन दिल चाहता है कि आपके साथ और भी बात करें और भी बात करें, लेकिन हम क्या करें, हमारे शो का एक फॉर्मेट ही ऐसा है कि हम लेकिन आपके साथ शायद हमने दूसरे से ज्यादा हमने बात किया आज, बहुत ज्यादा बात की। हमने शुरू किया था 10:38 को, अभी 11:18 है। कुछ एक छोटा सा एक अच्छा सा हिंदी गाना गा के, आपको तिबेटन गाना आता है कोई सुंदा ले मोसो बोल के आपको आता है शायद है कि नहीं? आता मतलब उसका बस एक ही पैराग्राफ आता है तो मैं वो सुनाना चाहूंगा। हाँ वो गा दो। ठीक 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 थोड़ा सा मैं देख के गाऊं। हाँ हाँ क्यों क्यों नहीं। Sunda lemo so, lasa nobu lingla so hoyana, nobu mundu mala so, so yala josa yeshino, ula nobu manangande, hey sunda lemo so. Thank you. Oh my god! Vocal ka to kya? Aapka to vocal, oh my god! अब ये ऑब्वियसली आप अरुणाचली हो, आप तिबेट नहीं हो, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऐसे होने से भी वो सीख जाएगा, आपको हो जाएगा। लेकिन जब अभी आपको ट्रेनिंग होना चाहिए, एक अच्छा सा तिबेटन गाना आप कवर करो ना, क्योंकि आई वांट टू सेंड इट टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, ऐसे करके ना उसको भेजेगा। Tibetan original song nikalo, lekin koi lyrics writer nahi mere liye, kyunki of course Tibetan aata nahi. No, we have so many people who will help you with the lyrics. Any Tibetan lyricist here in the story or right now who is watching his life, please connect with me because I can introduce you Lenzing, and Lenzing, you know, it'll be nice if you have an original composition. We'll definitely help you out. This collaboration between new artists, aap jaisa artist aur hum jaise ke beech mein, it's amazing. Arunachali Tibetans, ye rishta hume barkarar rakhna chahiye, hum sab ko friends hoke baithna chahiye.
सो म्यूजिक इज द ओनली बाइंडिंग फैक्टर, मेरे को लगता है कि म्यूजिक कनेक्ट्स एवरीबॉडी ना. तो कोई लास्ट मैसेज है आपको अपने फैंस और मेरे फॉलोअर्स के लिए बिफोर वी लीव? सबसे पहले मैं जाते जाते एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मेरे चैनल का नाम है लेंसिंग वीकली और मैं ब्लॉगिंग करता हूँ अपने चैनल में और मुझे एडवेंचर ब्लॉगिंग बहुत पसंद है. जस्ट बिकॉज ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है इसलिए मैं एडवेंचर ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ, एडवेंचर लेके नहीं आ पा रहा हूँ. लेकिन जैसे ये कोविड का सिचुएशन थोड़ा हल्का होगा मैं निकलूंगा अपने ट्रैवल ब्लॉग के लिए और कवर सॉन्ग भी बहुत जल्दी आएगा और मेरा ओरिजिनल हिंदी सॉन्ग भी बहुत जल्दी आएगा. आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और जितने भी लोग आउटसाइड अरुणाचल देख रहे हैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को अरुणाचल के बारे में जानना है ज्यादा तो मेरे वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो. एकदम अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेगा और मैं फ्यूचर में पूरा नॉर्थ ईस्ट में इस एक्चुअली मैं नेक्स्ट नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त या फिर सेप्टेम्बर को भी पूरा नॉर्थ ईस्ट एक महीने के अंदर कवर करने की सोच रहा हूँ अपने बाइक से या फिर कार से. तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का भी आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, धीरे धीरे केदारनाथ का देखने को मिलेगा, फिर लेह लद्दाख का, फिर स्पीति, हिमाचल, अमेजिंग प्लेस, पंचगनी, मतलब सुंदर सुंदर प्लेसेस, पूरा इंडिया ही आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे इन इस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इसी साल के एंड में. तो इसका दो रीजन है कि मुझे अपने नॉर्थ ईस्ट को, अरुणाचल को और इंडिया को प्रमोट करना है एंड सेकेंड थिंग इज मुझे इस साल के एंडिंग तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचाने हैं. Yay! We are going to make sure your target fulfill ho jaye, 1 million subscribers. अभी तक असमीज यूट्यूबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स है आसाम को छोड़ के किसी ने भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट नहीं किया. तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो पहला बंदा बनू जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करे. वैसे मेरा चैनल में सब्सक्राइबर्स भी अभी शायद आसाम को छोड़ दे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में अभी सबसे ज्यादा है शायद. तो आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखना और मैसेज तो मैं आप लोगों को यही देना चाहूंगा कि आपको भी इंक्लूडिंग मैम आपको भी सभी को मतलब सभी को एज अ होल मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि एक ही लाइफ है, हमेशा खुश रहिए. मतलब जो छोटा मोटा जो टेंशन होता है उसको ओवरकम करना सीखिए क्योंकि अगर आप उसको ओवरकम ही करते रह जाओगे मतलब आप उसमें डूब जाओगे तब आप लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे और आप बूढ़े हो चुके होंगे और आप कुछ सालों के बाद मर भी जाओगे. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइफ है, टेंशन फ्री रहिए एंड अपने लाइफ को एंजॉय करिए. और जो बुरा सिचुएशन है वो हर किसी के लाइफ में आता है. जैसे कि मेरे लाइफ में अकेले के लाइफ में बुरा सिचुएशन नहीं आया होगा और आपके अकेले के लाइफ में मैम आपके भी अकेले के लाइफ में बुरा सिचुएशन नहीं आया होगा. हम सबका लाइफ जो बहुत ही मिजरेबल है तो उस चीज को ओवरकम करिए और सोचिए कि एक ही लाइफ है यार. अगर हम कल कल हो ना हो कुछ भी हो सकता है तो प्लीज खुश रहिए एक ही लाइफ है, ये बोलना चाहूंगा. You're such a good boy. मेरा दो लड़की है, छोटा छोटा दो लड़की है. अगर काश मेरा लड़का होता I always wish कि तुम्हारे टाइप का ही होता है. अच्छा good boy. You are such a proud, you know, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए प्राइड, अरुणाचल के लिए प्राइड, such a positive thinker. मैं टिबेटन में कुछ बोलूंगी telling people to subscribe to you. ngaranzo inji minji phebe chizo nalo la phebe shenge la gyab gyu chi la di khechum bo re de ni ngaranzo ngorik ta nganzo gi ta nam bin gyaga la ta ngaranzo phebe mangpo de sa sa cha ta tin de ki milai ro ko che di khechum bo du lensing unne talented resha. All my followers, all the no filter supporters, the real supporters, if you really love this show and you love this episode, I want you to go to YouTube channel right now and subscribe and hit that bell icon. Hit it so hard that YouTube says, "Abhi bas ho gaya." Aise kijiye, aap itna shower kijiye love, because No Filter is a free show. We don't charge anybody to watch our show. We don't charge any money. I post it on YouTube. Whatever I'm going to show you, literally, I'm going to post how much I have. I have only $196 in the account, which I haven't taken out. And I want it to go to 200 so I can take it out and I can send it to the person who wants to make a music video. That was my aim. I have a job. Mera chalta hai, mera career. So YouTube is not definitely something that I make money out of. But I want to do this because I love my people. I want to entertain them. But I also want young artists and young people like you to come out in life, right? So all my Tibetan, Nepali, Bhutanese, so we just don't have Tibetan viewers. We have so many viewers from Bhutan. Bahut sare Bhutanese viewers hai, bahut sare Nepali viewers bhi hai. So sab jaake Lensing ko support kariye. Lensing, aap dekhte rahe, aapka Instagram padega aaj abhi.
फिर के नंबर ऊपर मुझे जाएगा। मुझे ना मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये पहली बार है कि मतलब किसी टिबेटन शो में मुझे इनवाइट किया गया है। मतलब भले ही ये इंस्टाग्राम की लाइव में हो, मुझे टिबेटन शो में इनवाइट किया गया है। और अरुणा, आप ना अरुणाचल में देखिए, बहुत सारे फेमस फेमस टिबेटन सिंगर्स हैं, उनको अरुणाचल में बुलाया जाता है फिल्म परफॉर्म करने के, इतना रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो वही रेस्पेक्ट आपने मुझ आपने एक अरुणाचली लड़की को भी दिया है, उसके लिए थैंक यू। आई जस्ट यू नो, ये आपने डिजर्व किया है क्योंकि आप टैलेंटेड हो, लेकिन आई लव कनेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स। सो या थैंक यू सो मच लेंजी। थैंक यू सो मच। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। उसके बाद मेरे जिक्र का जुबा पे सुवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरी फिजा मैंने ले लिया, मेरा सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे चन्ना। मेरे बिलिया। थैंक यू। थैंक यू लेंसी, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट। आप शुभ रात्रि एंड वी विल सी यू, आई विल बी इन टच विथ यू, यू नो वेरी पर्सनली हम लोग मिलेंगे जरूर, ठीक है, इन पर्सन। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर लेंसी, बाय। नमस्ते। So thank you everybody for watching this first episode of No Filter season 10. No Filter has come this far. If you really love this episode, please, 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 please go and subscribe to his YouTube channel. YouTube channel Dilesha. His YouTube channel is Lensing Weekly right here. And yeah, and Instagram line, follow Nangrochi. Tanga phege na lagin da ranga la message ni sums legi tu pheba la gyab gyo chi mi chi mi li la gyab gyo chi tu ishi thando kerang la. First of all, ranga suche la personally deshi gyao me ma su la gyab gyo chi go ye su la gyab gyo chi go me ma di deshi gyao me te yin yang pheba chizo nanglo la thapdem ba mangpo la ne gi gyab gyo chi tsaba ni koran tu su su de koran tu tsama kengi de no filter le ni chi ni tap de ba pe mang bo ya ko chi ni min se yo de nga tsangma la mo tu ni gyap kyu chi gi ye di chi ni nga la duk si ya la zu yang la sam lo gya tang ro nang nge gi thanda bo tu pe ba artist pe mang bo la gyap kyu chi ni tsam jam nga chi mi ri gi a tap de ba ke tang do la nga ra kon tu la ngo shi ni gi tap shi chi gi ye and di chi ne ta fu ngu do ta na jo ge la sa tsang lo tu chi che and watch this full video on YouTube. Bye, love you.